आपकी इतनी डिमांड पूरी आजकल सिस्टम है भाई। सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कुछ इस तरह की रील वीडियो अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। जो भी इस तरह की रील वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर रहा है फ्रेंड्स, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कुछ इस तरह की रील वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। सो गाइज, बिना कोई टाइम वेस्ट के हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, इस तरह की रील एडिटिंग सीखने के लिए आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन सिक्योर वीपीएन, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर सकते हो। एंड सेकंड एप्लीकेशन कैपकट एप्लीकेशन, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डाउनलोड कर लेना। सो फ्रेंड, डाउनलोड करने के बाद में आपको सबसे पहले सिक्योर वीपीएन को ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको कनेक्ट वाले बटन पर टैप करके इसको कनेक्ट कर लेना है। ओके, तो इसको आपको कनेक्ट कर लेना है, तो ही कैपकट एप्लीकेशन काम करेगा। तो कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद में आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको ऊपर न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से एक वीडियो को सिलेक्ट करना है। एंड वीडियो को आपको ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। तो जैसे कि देख सकते हो, हमारी ये वाली वीडियो है। ओके, तो आपको इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को। ओके, वीडियो को डाउनलोड करने के बाद में आपको ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। ओके, ऐड करने के बाद में आपको वीडियो के आगे आना है। वीडियो के आगे आपको इस ऐप का वाटरमार्क देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आपको इसको ऊपर टैप करना है। देन इसको आपको डिलीट कर देना है। सो गाइस, डिलीट करने के बाद में आपको नेक्स्ट काम करना होगा कि आपको इसको ऊपर आपको टैप करना है वीडियो को ऊपर। देन यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इसके वॉल्यूम वाले बटन पर टैप करके इसकी वॉल्यूम को आपको जीरो कर देनी है। ओके, मतलब म्यूट कर देना। तो ये काम कर लेना। ये काम करने के बाद में आपको वीडियो को प्ले करना है। वीडियो को प्ले करने के बाद में आपको वीडियो को कुछ इस तरीके से आपको, मतलब ये जो फोटो है एंड ये जो लिरिक्स वीडियो है यहाँ पे, इनके बीच में आपको रोकना है अपने वीडियो को। तो सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे हमको वीडियो को पॉज कर देना है। ओके, कुछ इस टाइम पे आपको वीडियो को पॉज करना है एकदम परफेक्ट तरीके से। ओके, देन अपने वीडियो पे टैप करना है आपको, मतलब इस वाली वीडियो पे टैप करना है। देन नीचे स्प्लिट वाले बटन पे टैप करके इसको स्प्लिट कर देना है, दो भाग में आपको इस वीडियो को कर देना है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये होने के बाद में आपको नेक्स्ट काम करना होगा कि आपको वीडियो के आगे आना है। ये जो फोटो है हमारी, मतलब ये जो वीडियो है फोटो में, तो सिंपली आपको इसको ऊपर टैप करना है। ओके, देन यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। एंड स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे एक नीचे की तरफ रीप्लेस नाम से एक बटन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इसको ऊपर टैप कर देना है। ओके, देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ फोटो वाले बटन पर टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से अपनी फ़ोटो सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपको ये रील बनानी है, तो सिंपली आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे हमारी फ़ोटो ऐप के अंदर आ जाएगी, तो सिंपली आपको अपनी फ़ोटो पर टैप करके इसको ऐसे जूम कर लेना है। ओके, फुल साइज इसको कर देनी है। देन आपको बैक आ जाना है। ओके, तो ये काम आपको कर लेना। देन ये होने के बाद में आपको इसके अंदर म्यूज़िक ऐड करना होगा। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपको वीडियो के नीचे ऐड ऑडियो लिखा है, सिंपली टैप करना है इसको ऊपर। देन टैप करने के बाद में आपको नीचे की तरफ एक्सटर्न वाले बटन पर टैप कर देना है। ओके, देन यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको अपनी गैलरी में से उस वाली रील को सिलेक्ट करना है जिसमें ये साउंड हो, तो उसको सिलेक्ट करके आपको नीचे एक्सपोर्ट साउंड ओनली इस वाले बटन पर आपको टैप करना है, जिससे हमारी रील के अंदर से साउंड कन्वर्ट होके ऐप के अंदर आ जाएगा ओनली साउंड। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको साउंड को ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है जहाँ तक हमारा साउंड हो, तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। ओके, देन ये होने के बाद में आपको इसके अंदर शेक इफेक्ट ऐड करना होगा, तो इस वाली फ़ोटो के अंदर, तो सिंपली फ़ोटो के ऊपर टैप करना है आपको। देन नीचे की तरफ आपको एनिमेशन वाले बटन पर टैप कर देना है। ओके, देन टैप करने के बाद में आपको ऊपर की तरफ इन आउट और कॉम्बो तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो सिंपली आपको इन वाले को सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, इन वाले को सिलेक्ट करने के बाद में आपको इनको स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ पे आपको एक एनिमेशन मिलता है रोक वाला, तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन इसकी जो ड्यूरेशन होती है आपको इसको सिंपली रखना है 1 सेकेंड। ओके, देन नीचे राइट वाले बटन पर आपको टैप करना है, तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ इस तरीके से आपको वीडियो को प्ले करना है जहाँ ये हमारा एनिमेशन शेक इफेक्ट एंड हो रहा है, सिंपली आपको वहाँ पे वीडियो को पॉज करना है। देन नीचे की तरफ आपको इफेक्ट वाले बटन पे टैप करना है,
देन वीडियो इफेक्ट पे टैप कर देना है। ओके, देन वीडियो इफेक्ट पे टैप करने के बाद में आपके सामने कई सारे इफेक्ट ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली आपको ऊपर की तरफ इन बटन को स्क्रॉल करना है, देन नाइट क्लब वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। ओके, देन यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ये ऑप्शन मिल जाते इफेक्ट वगैरह, तो इनको आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ओके, सो गाइस यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक बटन मिलता है वाइब्रेशन फ्लैश नाम से, तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन ऊपर की तरफ आपको राइट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। देन नीचे की तरफ आपको एडजस्ट वाले बटन पर टैप करके इसकी जो स्पीड होती है सिंपली आपको इसको कर देना है 40। ओके, सो गाइस ये करने के बाद आपको इसकी इंटेंसिटी है इसको कर देना आपको, ओके, इसको 70 कर देना। एंड यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है ग्लो का, तो सिंपली आपको इसको बढ़ा लेना आपके अकॉर्डिंग कर लेना, तो मैं 65 के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ओके, देन इसकी रेंज होती है, तो इस रेंज को आपको कर लेना है 80 के अकॉर्डिंग, 80-85 के अकॉर्डिंग आपको इसको कर लेना है। ओके, देन राइट वाले बटन पर आपको टैप करना है जिससे ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये एडिटिंग कर लेनी है। ओके, देन यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। सो गाइस ये सब होने के बाद में यहाँ पे हमारा वीडियो रेडी हो जाता है। तो एक बार हम वीडियो को चेक कर लेते हैं हमारी वीडियो कैसा बना है। आपकी इतनी डिमांड हो रही है आजकल सिस्टम। सो गाइस हमारा वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है जैसे कि अभी आपने देखा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर डाउनलोड वाले एरो पर टैप कर देना है, देन ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लग जाएगी।